प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक दीन दयाल दीन बंधु मंगल करण पाप हरण कबीर देव कबीर प्रभु कबीर परमेश्वर, ये हमारे कुल मालिक हैं, ये हमारे पिता हैं, सभी आत्माओं के जनक हैं। अपने संतान की चिंता, अपने संतान के दुख में दुखी माता पिता ही होते हैं। परमेश्वर कबीर देव में वो गुण हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो हमारे माता और पिता और सच्चे साथी सखा बंधु, जो हमारे रिलेटिव भी यही है निकटतम। हम अपने उस परम पिता को, अपने साथी को, सखा को, अपने नाती को भूल करके हम अन्य के साथ प्रीत जोड़ चुके हैं। जब तक हम उस अपने पिता के पास नहीं पहुंच जाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और जिस सुख को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं, वो तो दुख का हल्का स्वरूप है। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मूदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। या कोई सुखी नहीं है, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। हम जिसको सुखी मानते हैं वो कुछ हल्के दुख युक्त है, जो ऊपर से दुख नहीं दिखता उसको, इंटरनल अंदर से दुखी है। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मांड 21 आग लगी है या कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, अपनी अपनी आग में सभी जल रहे हैं। चाहे यहां के, चाहे रंक है चाहे राजा है, चाहे देव है चाहे महादेव है, चाहे देवताओं का राजा सुरपति इंद्र है, यहां चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, या कोई सुखी नहीं है। यदि आप ब्रह्मा विष्णु महेश जी की आत्मकथा पढ़ लो, लेकिन हम केवल इनको पूर्ण परमात्मा मानकर इनके ऊपर आई आपत्तियों को लीला समझ रहे थे। वो लीला नहीं थी, इनके कर्मों के दंड और आपत्तियां थी। जैसे भगवान श्री विष्णु जी श्रीमद् देवी भागवत में प्रश्न नंबर 28 पे कहता है कि मैं अधिक समय तप करने में लगा रहता हूँ और तप करके फिर शक्ति प्राप्त करता हूँ, शक्ति प्राप्त करके मैं राक्षसों के साथ लड़ता रहता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समय मिला सुखपूर्वक तो
लक्ष्मी के साथ कुछ समय बिता पाता हूँ। अब जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम परमात्मा मानते हैं, मानते थे, अब तो नहीं मानते, ये पूर्ण परमात्मा नहीं मानते, इनकी हम स्थिति से परिचित हो चुके हैं। तो ये आप दुखी, क्योंकि इनको वो ज्ञान नहीं मिला जिससे सुख हो सके, वो साधना नहीं मिली जिससे इनका जन्म मृत्यु का रोग कट सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को तत्व ज्ञान नहीं था। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा या जीव सुखी नहीं हो सकता। अब ये जो शब्द हैं ये कुनीन जैसे कड़वे हैं, जो दास बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आध्यात्मिक तत्व ज्ञान नहीं था, तो फिर किसको हो सकता है? क्योंकि हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्तिमान नहीं रखी थी। हम इनको सर्वेश्वर महेश्वर मर्तुंज कालज सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक माना करते थे कि ये पूर्ण परमात्मा है। ये भगवान हैं, परमात्मा हैं, लेकिन कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। इन्हीं के शब्दों से, इन्हीं के मुखारविंद से, इन्हीं की वाणी से पढ़िएगा, देखिएगा श्रीमद देवी भागवत यानी यह देवी पुराण है, दुर्गा पुराण भी बोलते हैं इसको, दुर्गा पुराण। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखिएगा, प्रथम स्कंद प्रश्न नंबर 28। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से अर्थात विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। अब नारद जी के ज्ञान का भी गेला खुलासा होगा और ब्रह्मा जी के ज्ञान का भी, विष्णु जी के ज्ञान का भी। अब नारद जी कहते मेरे पिताजी ने हरि से प्रश्न किया था कि देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, चार भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु हैं एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्रीहरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, बता। ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है भगवान, फिर क्या आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता यानी किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। इसी 28 पे नीचे ब्रह्मा जी के विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये 29 पृष्ठ पे, उनसे कहने लगे, भगवान ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है,
उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से एक संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। आगे क्या बताते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति अर्थात इस अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, यानी मैं उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे, और कहता है कि मैं इसी की पूजा में लगा रहता हूँ, यही मेरी इष्ट देव पूज्य देव है, देवी है। और दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो। अब आइए 562 पृष्ठ पे, इसी पवित्र पुराण के 562 पृष्ठ पे, स्कंद 7वां, 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। ऊपर जो बताया है वो तो कहते मेरी उपासना है। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर और तो की भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। उससे वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। यहां यह अक्षर ब्रह्म बोल रही है, आगे देखना। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है, वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। अब ये स्पष्ट कह रही है कि उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो। सौम्य, उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। उसका मंत्र क्या है? प्रवण, यानी ओम उसका धनुष है, ओम नाम उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म। और वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अपुण्य आत्माओं, इस पूरे प्रकरण से ये सिद्ध हो गया कि ना तो ब्रह्मा जी को भक्ति का ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, और ना ही दुर्गा स्पष्ट बता पा रही है। ये कहती है अक्षर ब्रह्म, उस ब्रह्म की साधना, और नाम बता रही है, मंत्र बता रही है, ओम। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में उस तत्ब्रह्म का जिक्र है, उस परमात्मा का, कि उस परमात्मा को और सभी अध्यात्म ज्ञान को और सारे कर्मों को समझकर प्राणी केवल जन्म मरण से, जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, परमात्मा किम तत्ब्रह्म, फिर वह परमात्मा कौन है जो तत्ब्रह्म आपने
सातवें अध्याय 29वें श्लोक में कहा है, तो वो तत्ब्रह्म वह ब्रह्म कौन है? जैसे देवी कहे उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म तत्ब्रह्म का। अब कह तो महिमा तो वेदों में उस पूर्ण परमात्मा की है जो मोक्षदायक है, लेकिन इनको सभी देवताओं को और इस दुर्गा को और सभी ऋषि महर्षियों को उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा, भजन करो उस रब का, उस परमात्मा की यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति की विधि का पता नहीं लगा। उन्होंने ओम मंत्र को ही उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का मंत्र मान लिया, इसी को उसका जाप मान लिया, इसी से उसकी प्राप्ति करने की चेष्टा की, जबकि ये ब्रह्म का मंत्र है, न कि उस ब्रह्म का, पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म का नहीं है। अब यहां ये सब मार खा रहे हैं। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म है कौन, जिसको जानने के बाद फिर यहां की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती, केवल जन्म मरण और जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गीता जी में, गीता ज्ञानदाता ने, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक ब्रह्म, एक क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां देवी जी बोल रही है, श्री दुर्गा बोल रही है कि उस ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का, तो और फिर मंत्र बता रही है ओम, जबकि वो परम अक्षर ब्रह्म है तीसरे नंबर का। एक सर्वब्रह्म ये ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है। यहीं पर सभी अभी तक मार खा रहे थे कि साधना करने की चेष्टा भी करते थे, लेकिन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी, सदग्रंथ नहीं थी, जिस कारण से साधना करके भी व्यर्थ रहे। अब देखिएगा ये छठा स्कंद, यही दुर्गा पुराण, देवी पुराण, और प्रश्न नंबर 414 पे जन्मजे ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, नरप शार्दुल राजन, ये निश्चय कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की साधना आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। बस यही बतेरा, इतना ही काफी है। अब क्या लिखा है कि सतयुग में ब्राह्मण यानी ऋषि, ये मनु जी, वशिष्ठ जी हैं, और विश्वामित्र जी, जितने भी ऋषि थे, इनके विषय में, इन ब्राह्मणों के विषय में कहा कि ये पूर्ण वेद के ज्ञाता थे और दुर्गा की पूजा करते थे। जबकि दुर्गा कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करो, लेकिन दुर्गा को भी उस परमात्मा की साधना का ज्ञान नहीं, इसलिए वो कहती है कि उसका मंत्र ओम है और वो ब्रह्म है और ब्रह्म लोक में रहता है। पुण्यात्माओं, अब बात यही बिगड़ रही थी अभी तक कि जब से ये प्राणी परमात्मा से विमुख हुआ है, उसको पाने की चाह इसको जबरदस्त लगी हुई है, परंतु इसको उसके पाने की विधि का ज्ञान नहीं, इस करके कठिन से कठिन साधना करके भी अपना जीवन बर्बाद करके चला गया। पुण्यात्माओं, कल रात्रि में आपको सत्संग सुनाया था कि पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो उनको साधना का ज्ञान है, वो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। क्योंकि जैसा कि आपने माननीय चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत पढ़ा, उनकी पूजा की विधि पढ़ी, सुनी और देखी, वो इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं, वे भगवान विष्णु और शंकर और दुर्गा और लक्ष्मी, भद्रकाली, कामक्षी देवी, नारायण, ये वही भगवान एक ही विष्णु है, जिसको जगन्नाथ कहो, नारायण कहो, ब्रह्मा कहो,
ये केवल ब्रह्मा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण तक ही सीमित हैं, इन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लगे हैं। और इनके विषय में कल आपको प्रमाण दिया था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 15 में, 12 से 15 में स्पष्ट किया है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका मुख्य कारण गीता ज्ञान दाता कहता मैं हूं। वो कौन है? वो ब्रह्म है। ये छर ब्रह्म छर पुरुष भी कहलाता है। और इसने कहा कि ये तीन रजगुण ब्रह्मा से जो कुछ हो रहा है, सतगुण विष्णु से जो हो रहा है, सतीथि है रजगुण ब्रह्मा से जीवों की जन्म उत्पत्ति, तमगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, लेकिन मैं इनसे दूर हूं। क्योंकि ये ऊपरी 21वें ब्रह्मांड अपने एक ब्रह्म के ब्रह्म लोक में बने शिखर स्थान पर ऊपर रहता है, अलग रहता है, और वहीं अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है। और दुर्गा यहाँ जो भी कोई साधक है उपासना करते हैं उनको भी आके दर्शन दे जाती है, फिर वहीं अपने स्थान पर चली जाती है। इस त्रिगुणमयी माया को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 14 में बताया है कि ये बहुत खतरनाक है। और जो मेरी पूजा करते हैं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर ब्रह्म की जो साधना करते हैं वो इनसे ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली साधना से ऊपर उठ जाते हैं, इनसे ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपास्य कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री सतगुण विष्णु जी, श्री शिव तमगुण की उपासक इन्हीं के लोकों में जाते हैं और तुरंत ही अपने पुण्यों को अक्षीण करके वापस 84 लाख योनियों में आ जाते हैं। और ब्रह्म का साधक ब्रह्म लोक में चला जाता है। जिस ब्रह्म की साधना को श्री दुर्गा देवी कह रही है कि ओम नाम का जाप करो, और एक बार फिर पढ़िए, थोड़ा सा बहुत जरूरी कंसेप्ट इसमें रह गया। दुर्गा ने क्या कहा है कि ये वही दुर्गा पुराण है, 562 पृष्ठ पे, यहाँ 563 पृष्ठ पे देखेंगे ये ब्रह्म के बारे में जो जानकारी दी गई थी उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है। यहां से आते हुए उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावा अनुगत हो उचित के द्वारा उस बाण को खींचकर अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेदन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया। यहां ओम मंत्र बताया है और ब्रह्म लक्ष्य रूप पर अक्षर रूप ब्रह्म, और यहां पर अक्षर ब्रह्म, यानी ये कितने विचलित हैं। कहीं पर तो अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, और यहां पर भी अक्षर रूप ब्रह्म, और फिर ब्रह्म पहला छोड़ा। ओ महिमा तो बता रहे हैं उस पूर्ण परमात्मा की, देखो यहां गाई जा रही है महिमा, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वह यह बतलाया जाता है। यह सारा कुछ कहा है इसके बारे में। यहाँ कहा कि वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, ये तुम जानो, जो परम प्रकाश रूप है, सूक्ष्म चैतन्य सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, वह अविनाशी परमात्मा है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन है, और वही परम सत्य है। ये महिमा तो गा रही है परम अक्षर ब्रह्म की, और कह रही है इसको अक्षर ब्रह्म, और फिर लाकर छोड़ रही है केवल ब्रह्म की साधना पर। परवण उसका मंत्र है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहो और ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, यानी केवल एक परमात्मा जो सबका मालिक है उसको जानो, दूसरी बात सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। ये पॉइंट रह गया था। ये क्या कह रही है दुर्गा के केवल एक परमात्मा की भक्ति करो
और अन्य की नहीं, और वही पूर्ण मोक्ष का साधन है। और फिर बता रही है केवल वो मंत्र है और वो ब्रह्म लोक में रहता है। ओए होए, परमेश्वर की वाणी है वो, नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बार, सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े किसाना, गुरु सतगुरु बिन वेद पड़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब श्री दुर्गा देवी जो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की श्री माता जी हैं, और श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शंकर शिव जी तमगुण, ये सभी के सभी वेद ज्ञानहीन थे। अब दास जो आपको आगे ये गीता जी अध्याय नंबर 7 का जो कल प्रकरण प्रारंभ हुआ था, उसमें क्या कहा है कि अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में ये कहना चाहा है गीता ज्ञानदाता ने कि जो इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी तक ही साधना करते हैं, और जिनका इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी ना बजते। यहां भक्ति का विषय चल रहा है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके वो बोल रहा है। तो तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को असुर स्वभाव के को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, एक बार फिर देख लीजिए श्रीमद् भगवत गीता, जिसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का और प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, अध्याय नंबर 7 का अब श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब इसके साथ साथ हमने और भी कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक सत्संग में विद्यार्थी बदलते रहते हैं, और पुराने भक्त हैं उनको ज्ञान यज्ञ का लाभ मिल रहा है, आनंद आता है। परमात्मा की चर्चा कितनी बार भी सुने उतनी ही प्यारी लगनी चाहिए, ये एक भक्त के लक्षण होते हैं जो स्वस्थ भक्ति चल रही है जिसकी। अब देखिएगा, ये वही गीता जी इसमें सिद्ध करना चाहेगा दास के रजगुण ब्रह्मा है सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। देखिएगा, ये वही श्री देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गोविंद गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे है, 123 पृष्ठ पे भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हुए संसार तुम्हीं से उद्वासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म, त्रोभाव अर्थात मृत्यु होता है हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए हैं, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि सत्यति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं,
इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और दूसरा ये सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है। और तीसरा ये सिद्धम कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, इनका जन्म और मृत्यु होता है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये दास अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनकी केवल इन महापुरुषों की, महानुभावों की, इन भगवानों की जो है ना जीवन कहानी, इनकी जीवनी सुना रहा हूँ आपको पढ़कर। अब और थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये स्वयं कहते हैं रजगुण ब्रह्मा मैं और भगवान शंकर स्वयं स्वीकार करते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अथ श्रीमद् देवी भागवत सभाष टीकम सह मातम खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, इसके तीसरे स्कंद में। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद प्रारंभते, अब इसमें तीसरे स्कंद में ग्यारहवें पृष्ठ पे देवी भागवत पृष्ठ नंबर 11 और तृतीय स्कंद है अध्याय नंबर 5 में, इसके श्लोक नंबर 8 में शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण। यह संस्कृत भी स्पष्ट कर रही है, 8-7 यह है, 8 प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना ने सदा अंबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया तमोगुण, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया, संभव रजोगुण संभव, सुहितु सुवित सुविहित क्यों किमु क्यों बना दिया तमोगुण सतोगुण हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। अब इति सिद्धम अगेन सिद्धम, ये फिर दोबारा सिद्ध हो गया श्री देवी भागवत में, इंक्लूडिंग संस्कृत, संस्कृत वाली समेत हमने क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भी दुखी होकर के अपनी माता से कह रहे हैं कि यदि तू हमारे ऊपर दयालु है, दया धर्मना दयावान है, तो हमें ऐसे कुकर्म में क्यों लगा दिया, ब्रह्मा जी में तो बना दिया को तो रजगुण बना दिया, जिसके कारण सभी प्राणी प्रभावित है और संतान उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी को सतोगुण बना दिया, जिसके प्रभाव से सभी एक दूसरे से जकड़े बैठे, और मुझे सत्तम गुण बना दिया कि मेरे कारण, मेरे बड़े गुण के कारण एकदम एक मिनट में लठम लठा मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब ये भी दुखी है कि ये क्या हो रहा है, जैसे किसी का बेटा मर गया, इकलौता पुत्र, और रो रो कर टक्कर मार मार कर पूरा परिवार टक्कर मार रहा है, किसी की बेटी मर जाती है तो टक्कर मार रहे हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा। अब ये भी दुखी, पर विकल्प क्या, विकल्प है पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के पास। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजाएं करने से हमें क्या उपमा दी है, करने वालों को क्या उपमा दी है गीता जी ज्ञानदाता, ये देखिए अध्याय वही श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 का ये 12 आपने पढ़ लिया। हाँ, एक और है, जैसे शिवपुराण और ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये गीता ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई अन्य शक्ति है उसका प्रमाण आप इसमें देखिएगा। श्री शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, श्री शिवपुराण संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक गीता प्रकाशक मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, इसके 110 पृष्ठ पे ये है रुद्र संहिता और अध्याय 9 और पृष्ठ नंबर 110, ये 9 अध्याय समाप्त हुआ। इसी पर
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। ये शिव कौन है? ये काल है, ये गीता बोल रहा है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता, मैं काल हूं, सबको खाऊंगा। तो ये तीन तो न्यारे हो गए, और चौथा ये कौन है? ये वो है, काल है। इसको देखिएगा 86 पे और क्लियर हो जाता है, प्रश्न नंबर 86 पे। ये प्रश्न नंबर 86, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहो, जैसे यहाँ पर वो उनसे अलग है कोई, वो चौथा जो गुणातीत माना गया है। ये 110 पृष्ठ पर फिर देखेंगे, अब समझ में आएगा, नहीं तो रुद्र को समझकर हम सोच जाएंगे शिव कोई और है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र कहो चाहे महेश कहो, इन तीनों देवताओं में गुण हैं। ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव, ये महेश, महेश को चाहे शिव को। और ये काल भी शिव रूप धारण कर लेता है, यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये ब्रह्मा रूप धारण करता है ये काल। परंतु शिव यानी ये काल, यहाँ काल समझो, ब्रह्म गुणातीत माने गए। अब आवेगी पवित्र गीता जी का अनमोल ज्ञान, अनमोल कहानी आपके समझ में है। अब देखिएगा, अब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 7 को। अब 12 मंत्र फिर पढ़िए। आप बच्चे हो, अभी तक आप जी ने बहुत ही शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को घोट रखा था, अब ये शास्त्र अनुकूल तत्व ज्ञान है जो आपको बार बार, जैसे पहली क्लास के बच्चे को एक वर्ष तक याद कराया जाता, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, फिर बोल जब उसको याद होता, तो ये स्टार्ट है आपके अध्यात्म ज्ञान का। इसलिए इसको बार बार रिपीटेशन करके आपके हृदय को रंगा जा रहा है कि आने वाले समय में आप ना जाने कितनी पुण्यात्माओं को सुलझा कर इस दास से नाम प्राप्त कराओगे, क्योंकि तो आपको इतना रंग दो कि आप किसी के काबू में नहीं आओ, आपको कोई मिसगाइड ना कर सके, आपको कोई भ्रमित ना कर दे। अब ये क्या क्या कहना चाहा है कि और भी जो, ये 12वां श्लोक है 7वें अध्याय गीता जी, और भी जो सतगुण यानी सतगुण विष्णु जी से, सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे होने वाला वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति सतगुण विष्णु से सती थी, और तमगुण शिव यानी महेश से संहार, इसका कहते मुख्य कारण मैं हूँ। कौन? काल, गीता ज्ञानदाता। क्योंकि इस काल भगवान को 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को खाने का श्राप लगा हुआ है, इसलिए ये तीनों अपने तीन पुत्र उत्पन्न करता है, प्रत्येक में एक एक गुण युक्त, प्रत्येक को एक एक गुण युक्त कर देता है, और जिससे अपना ये संसार आहार के लिए चला रहा है। तो ये कहता है कि इन तीन जो भी ये हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से, इसका निमित्त तो मैं हूँ, मुख्य कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनसे दूर रहता हूँ, अलग रहता हूँ, इनके सामने नहीं आता। अब 13 में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग जो मैं हूं चौथा, इनसे भिन्न उस मुझे नहीं जानता। अब 14 में क्या कहा है? श्लोक नंबर 14 अध्याय नंबर 7 गीता जी, क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो ये जाल फैला रखा है, ये बड़ी दुस्तर है, ये खतरनाक है। जो पुरुष, जो व्यक्ति इनको छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मुझको निरंतर भजते हैं, वे इसका माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। अब क्या बात है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले तो इन्हीं तक सीमित हैं, शीघ्र ही जन्म मृत्यु में आ जाते हैं,
और ब्रह्म के उपासक ब्रह्म लोक में चले जाते हैं, जो एक कल्प तक यानी 1000 चतुर्युग तक ब्रह्म लोक में रहते हैं, आते फिर भी जन्म मृत्यु में। अब क्या बताया 15वें में, माया के द्वारा, इस ऊपर वर्णित त्रिगुणमयी माया, माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही जिनकी बुद्धि अटकी पड़ी है, इससे आगे कोई भक्ति नहीं करते ना उसको ज्ञान सुनना चाहते, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूड मुझको नहीं बचते। अब कल के सत्संग में आपको बताया था कि रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकश्यपु ने, और क्या कहलाया, राक्षस कहलाया, अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद का शत्रु हो गया, वो जुल्म किए जो ना करने के होते हैं। ये रजगुण ब्रह्मा जी के उपासक में वही गुण हो गए जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में वर्णित हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। ओए होए, चार त्रुटियां तुरंत लिखी हैं गीता जी में, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, असुर माने राक्षस, आसुर राक्षस राक्षस, और मनुष्यों में नीच और दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। अब जैसे भगवान शिव की उपासना की थी भस्मागिरी ने, तमोगुण शिव की, और भगवान शिव का शत्रु हो गया, भस्मकंडा मांग लिया और भगवान शिव को मारने लगा, पार्वती को पत्नी बनाने के उद्देश्य से, रे तेरा गजब हो, ओए होए होए, कलजा हिल जा आदमी का। रावण ने तमोगुण शिव की भक्ति की थी, आखिर में के कुकर्म कर डाले, और क्या उपमा प्राप्त हुई, सर्वविदित है। ये त्रिगुण उपासक ब्रह्मा विष्णु महेश जी के उपासक, जैसे गिरी पुरी सन्यासी जितने, ये नागा, ये कल आपको उदाहरण दिया था कि एक बार हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक कुंभ के मेले का संयोग हुआ था, और वहां पर आपस में नागा और वैष्णो साधु, वैष्णो विष्णु जी के सतगुण विष्णु के उपासक, इनमें प्रथम स्नान करने के कारण इतना झगड़ा हो गया, आपस में लड़ाई होगी, कतलेआम कर दिया कि हम पहले नहाएंगे, वो कह नहीं हम पहले नहाएंगे, गंगा का पानी खत्म हुआ था कि 2 मिनट पाछे नहा लें होते, लेकिन परमात्मा की वाणी विफल थोड़ी हो सकती है। 25,000 वो ये त्रिगुण उपासक आपस में कट के मर गए, वहां पर गंगा का पानी लाल कर दिया। वहां सूक्ष्म वेद में परमेश्वर की वाणी में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो विशेष प्रकार विशेष ज्ञान जो है सचिदानंद घन ब्रह्मण मुखे, सचिदानंद घन के मुख्य वाणी में उसका परमेश्वर के सूक्ष्म वेद में लिखा, उसमें क्या बताया है कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बदावे हैं, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत ना जाने वहां जाके तेग जलावे हैं। अर की पैड़ी भगवान की पैड़ी कहें, भगवान की छाती पर कतलेआम कर दिया, और काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध को आवे हैं, और जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक ले जावे हैं, नरक पठावे हैं, भेज देते हैं। अब ऐसे संत जो आप पर कटका मर गए और उनके पास कोई जाता है कल्याणार्थ, उनको क्या शिक्षा देंगे वो, उनकी शिक्षा दीक्षा से वो क्या क्या बनेगा, अंडरस्टूड है। अब प्रसंग चल रहा है, गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो मेरी भक्ति भी ना करते। अब यही प्रसंग गीता जी को, अब निर्णय, गीता जी एक अनमोल शास्त्र है लेकिन इसको कोई समझ नहीं सका आज तक, इस केवल इस दास पे रजा बख्शी है प्रभु ने, ये अभिमान मत समझना लेकिन सच्चाई समझना, ये अभिमान नहीं है दास का, अभिमान तो जब हो मैंने गीता लिखी हो, गीता जी को मैंने लिखा हो या वेदों को मैंने लिखा हो तब तो मैं अभिमान भी करूं, अभिमान तो फिर भी नहीं चाहिए। दास ने तो इस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को यथार्थ भाव से समझा और अब समझा रहा हूं, इतना जो एक टीचर का कर्तव्य होता है वह कर रहा हूं, जो एक सही अध्यापक का जो वास्तविक कर्तव्य है केवल उसका पालन कर रहा हूं। अब ये तीनों गुणों की भक्ति यानी अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवता हैं,
इसी से संबंधित अब आप चलिए 20, 21, 22, 23 श्लोक सातवें ही अध्याय का, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता ये अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर हमने 15 पढ़ लिया, 15 पढ़ लिया। अन्य उपासना जो करते हैं माया के द्वारा, त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूड मुझको नहीं बजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब इसी में आइए मंत्र नंबर 20 पे, श्लोक नंबर 20, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 20। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, क्योंकि यहाँ जिनका ज्ञान यहाँ से संबंधित है, ये 15 से ही इस त्रिगुण में माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब ये 20 में इसी से लिंक है, सातवें अध्याय का 20 इसी से संबंधित है। उन भोगों की कामना द्वारा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली जो सुविधा, उनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं, यानी ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तक अन्य देवता होते हैं। 21वें, ये 21 है। जो जो स्काम भक्त, जो जो स्कामनी भक्त, जो जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। आगे देखो 22, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। आगे चलिए 23 में तोड़ कर दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, मंद बुद्धि, उन मूर्खों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब कितना तोड़ कर दिया कि उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। आगे देखिएगा इसी से फिर संबंधित कहां पर है, 16वें अध्याय का। अब पहले थोड़ा सा 9वें अध्याय से लेते हैं। अब देखिएगा 9वां अध्याय, इसका एक ही श्लोक लेंगे हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। अध्याय नंबर 9, 23 में कहा है, ये 9 का 23 है, वो 7 का 23 था अभी आपने पढ़ा। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त दूसरे देवताओं को भजते हैं, वे भी मुझको ही बजते हैं, परंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, अविधि पूर्वक है। इसका क्या अर्थ है कि जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी को, रजगुण ब्रह्मा जी को, श्री विष्णु सतगुण जी को, श्री शिव जी तमगुण को जो भज रहे हैं, वो परमात्मा प्राप्ति का ही प्रयत्न कर रहे हैं। वो ब्रह्म कहता है वो भक्ति तो मेरी कर रहे हैं, मुझे भगवान को प्राप्ति करने के यत्न करें, लेकिन उनकी पूजा शास्त्र विरुद्ध है, अविधि पूर्वक है, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। ओए होए, और वही सातवें अध्याय के 23वें श्लोक का मैं कहा कि उन अल्प बुद्धि वालों का, मंद बुद्धि वालों का वो जो वो साधना है वो नाशवान है। अब इसी से लिंक 9वें अध्याय का 25वां देखो, ये 9वें अध्याय का 25वां, देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, वो अभी बताई दिया उनका फल नाशवान है, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, यानी पितर बन जाते हैं, उस ग्रुप में जा मिल जाते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को भूत बन जाते हैं, और मेरे पूजने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, अब आइए 16वें अध्याय के, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय नंबर 16, 23 में कहा कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी अभी अविधि पूर्वक जो साधना करते, त्याग कर मन अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अपुण्यात्मा, ये स्पष्ट कर दिया
गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 ने कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपने मनमाना आचरण करते हैं, अविधि पूर्वक साधना करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है और न ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। अब आगे देखो, 17 में कमाल कर दिया, निचोड़ कर दिया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर, त्यागित हैं जो ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं, तो कहते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, वो किस किस देवता की पूजा करते हैं। 17वें अध्याय में ये अथ सप्त 10वां अध्याय 17वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन उवाच, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त देव आदि का पूजन करते हैं, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर, जो है तो गलत लेकिन वो जो पूजते हैं, तो उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक अथवा राजसिक व तामसिक। अपने आत्मा कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके नीचे 17 की, वो है तो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण, वो है तो यूजलेस, फिर भी उनका स्वभाव, उनकी कैसी स्थिति होती है, इसका आगे उत्तर दिया है दूसरे में। भगवान श्री भगवान वाच 17वें का 2 अध्याय नंबर 17 का ये 2, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कार रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न, यानी शास्त्र शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उनके अपने स्वभाव से उत्पन्न उनकी पूजाएं हैं, तो वह श्रद्धा सात्विक और राजस, ये भी तामसी आदि 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। 3 में कहा कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, वह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला हो स्वयं भी वह वैसा ही है। अब क्या देखो कितना क्लियर कर दिया 17 में के 4 श्लोक में कि है ये सारे डले ढो रहे हैं, शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण तो कर रहे हैं, 4 में तो सात्विक पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, जो अच्छी आत्मा है वह तो देवताओं तो की पूजा करते हैं, और जो राजस पुरुष हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, जंतर मंतर करके अपना धनी बनना चाहते हैं, और अन्य तामस मनुष्य हैं जो प्रेत और तमोगुण भूत गुणों की पूजा करते हैं। वो इसलिए गीता जी को अभी तक समाज ने सिरोधार्य कहा और वास्तव में ये सत्य है, लेकिन इसको समझ नहीं सके थे। इसमें स्पष्ट कर दिया कि जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं वो तो है व्यर्थ, लेकिन वो कौन से किस प्रकार के किस स्वभाव के व्यक्ति कौन कौन सी पूजा करते हैं, कहते हैं जो अच्छी पुण्यात्मा हैं, सात्विक स्वभाव के हैं, वो तो देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक आदि ये देवताएं पूजा करते हैं, और दूसरे जो राजस टाइप के हैं यानी अहंकारी हैं और कुछ अपने आप में अभिमानी है, वो करते हैं ये यक्ष भैरव भूत बेतालों की भैरव आदि की, और जो तीसरे प्रकार के हैं वो भूत पितरों के जंतर मंत्र करके ये झाड़े झपटे लाने लग जाते हैं, भूत काटने लग जाए, ये हैं सारे यूजलेस। इति सिद्धम हो गया कि जो अच्छी आत्माएं हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन है वो शास्त्र विरुद्ध।